उस तो इस संसार में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है कि लोग पूछते हैं कि आखिर हम बेहतर कैसे बने। कोई प्रॉब्लम्स आ गई है, उसी पे अपनी लाइफ का बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हैं। हम अच्छे कैसे बने, उसका सिर्फ एक तरीका है, जो उचित नहीं उसका त्याग करो और जो पॉजिटिव है उसे कलेक्ट करो। ओनली फर्स्ट थिंग्स, सिर्फ यही तरीका है कि जो पॉजिटिव नहीं है उसका बिल्कुल भी त्याग कर दो, जो निगेटिव है उससे समझौता नहीं करना है, और जो पॉजिटिव है उससे दिल और दिमाग से रिश्ता बनाओ। पॉजिटिव है सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइफ का सही यूज करना, सिर्फ पॉजिटिव है अपनी लाइफ का सही यूज करना, और हर एक रिश्ता जो संसार का रिश्ता है उसका सम्मान करना। सिर्फ बस मोह ममता लगाना पॉजिटिव नहीं है, प्यार में मोह ममता पड़ना पॉजिटिव नहीं है, खुद की लाइफ को बर्बाद जो भी चीज़ों से हो रही है, अपनी लाइफ बर्बाद हो रही है, डिफेक्ट हो रही है, जिन भी कारणों से अपनी लाइफ डिफेक्ट हो रही है वो सारी चीज़ें नेगेटिव हैं, और जो नेगेटिव हैं वो आपको कभी भी ज़िंदगी नहीं दिला सकती। बट लास्ट में आपको छोड़ना ही पड़ेगा, अगर आप आज छोड़ दोगे तो कल बेहतर हो जाएगा, कल छोड़ोगे तो परसों से आपका स्टार्ट होगा, और अगर आपने 10 दिन तक निगेटिविटी से समझौता किया तो आपका पूरा महीना या ज़िंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा बर्बाद हो जाएगा। जितने समय तक आप निगेटिविटी से समझौता करते रहोगे, जितने समय आप बुराई से समझौता करते रहोगे, उतना ही अधिक समय आपका बर्बाद होगा और ज़िंदगी भी तबाह होगी। ये हकीकत है कि वक्त के साथ दुनिया साथ देती है, जब वक्त साथ छोड़ता है तो ना रिश्ते साथ देते हैं, ना अपने साथ देते हैं, और ना ही आपकी उम्मीदें साथ देती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है आज समझना, बहुत ज़रूरी है आज आपको खुद को बेहतर बनाना। आपके पास अगर जुनून है, सोच है पॉजिटिव, तो बस चलने का स्टार्ट कर दीजिए, और बस उस स्टार्ट के साथ ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नहीं थमना है, ज़िंदगी की आखिरी सांस तक नहीं रुकना है, जो पॉजिटिव है उसे दिल और दिमाग से बेहतर बनाना है। सिर्फ एक तरीका अपनाना है कि जब तक लाइफ है जब तक बेहतर बनना है, जब तक खुद का विकास करना है और अधिक अच्छा बनना है। ना लोगों से उम्मीद रखो, ना अज्ञानता से समझौता करो, ना ही कभी असफलता पाओ, ना ही कभी दुख पाओ। लोगों से उम्मीद रखोगे या फिर अज्ञानता से समझौता करोगे, दुख मिलेगा, प्रॉब्लम्स मिलेंगी, परेशानियाँ मिलेंगी। अगर आप खुद की ज़िंदगी का पॉजिटिव विकास नहीं करोगे तो आप प्रॉब्लम्स में फंसोगे, बार बार यही कारण होगा और बार बार रोगे।